झटपट फटाफट जब भूख लगे तो क्या करें, आलू उठाएं, क्योंकि आलू जो है वो ऐसा रामबाण है जो कभी फेल नहीं होता जी। तो आलू उठा के क्या करना है, आलू उठा के ग्रेट कर लेना है, ग्रेट करके बनाना है आलू चीला। रेडी? तो नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार, आज हम बनाएंगे झटपट फटाफट भूख का इलाज, आलू चीला। तो आलू चीला बनाने के लिए आपको चाहिए आलू। आलू को ना ग्रेट करना है जी कद्दूकश, ठीक है, और अच्छा कद्दूकश यूज करें ताकि जितने लंबे लच्छे निकलेंगे आलू के उतना अच्छा है। सॉल्ट, ठीक है जी, चुटकी सी हल्दी, और तुरंत समय बर्बाद ना करते हुए तुरंत डालना है ऑयल, और ऑयल भी ठोक के, मतलब लॉट्स ऑफ ऑयल डालने का कारण क्या है, एक तो ये कि रंग खराब नहीं होगा, नहीं तो आलू जो है मिंट में काला पड़ जाएगा, और दूसरा ये कि जब आप इसका चीला बनाएंगे ना, आलू चीला बना रहे हैं आज हम, जो भाई लेट कमर्स हैं उनको बताना पड़ता है ना, जब आप इसका चीला बनाएंगे तो चीला जो है वो बड़ा क्रिप्सी करारा बनेगा, ठीक है। ये जो इसकी बेसिक इंस्पिरेशन है जी वो है स्विट्जरलैंड की रोस्टी, स्विस रोस्टी जो है वो बड़ी फेमस है, तो वो हमारी इंस्पिरेशन है। धनिया को रफली तोड़ के और डाल दिया जी इसके अंदर, और अब इसको दिया छोड़, तो एक भाग तो हो गया खत्म, अब दूसरे भाग के पीछे भागते हैं। दूसरे भाग के पीछे भागने के लिए हमको चाहिए पनीर, मतलब अगर चीला है तो स्टफिंग भी होगी ना, तो जी ये है स्टफिंग, पनीर को कर लिया डाइस। उसके बाद टमाटर, और टमाटर को भी कर लिया डाइस, ठीक है भाई। हम जो है ना ये बीज बीज नहीं निकालते, प्रकृति ने बनाया है खाने के लिए, तो खाओ, डालो उसको। अब जो है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का बनाया पेस्ट, पेस्ट मतलब मोटा मोटा क्रश किया उसको। सॉल्ट एंड चलो जी डन। पैन में डाला ऑयल, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, और अदरक लहसुन हरी मिर्च का मोटा मोटा कूटा हुआ पेस्ट, मोटा मोटा कूटा हुआ। देखो ये हंसते खेलते जो खाना बन जाए अच्छा है, वरना डिश बन के तैयार हो जाएगी, मेरा मुंह ऐसे ही सूजे का सूजा रहेगा, टिप्स मैं बताऊंगा नहीं, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, हंसते खेलते ही मेरे को टिप्स याद आती हैं सारी। ब्यूटीफुल, ज्यादा नहीं पकाना, हाँ प्याज को सॉफ्ट करना है बस। एक या पनीर, अगर ब्रोकली है ना, ब्रोकली तो ब्रोकली बड़ी अच्छी आती है पनीर के साथ भी, और ये जो रोस्टी बना रहे हैं हम लोग आलू का चीला बना रहे हैं उसके साथ भी, थोड़ी ब्रोकली डाइस करके डाल दिया, रंग भी आ जाएगा। सॉल्ट ऑलरेडी जिंजर गार्लिक में है ना, इसलिए सॉल्ट भी नहीं डाल रहा मैं, दैट्स इट। इसको रखो जी साइड, और इसमें डाल दो धनिए का मूल मंत्र। चटकारा आ गया जी, आंखें खोल दी मेरी फीलिंग ने। अब ये जो आलू हमने लिए ना, इनको फैला देना है जी एक पैन में। पैन जो है ना वो थोड़ा स्लो ही रखें, नहीं तो हाथ जल जाएंगे आपके, ठीक है। जैसे जैसे आलू पकता जाएगा ये जाली जो है और बढ़िया होती जाएगी। ये जितना आपको लग रहा था कि इतना तेल डाल दिया रणवीर ने, वो सारा तेल अलग हो गया ना अपने आप, सारा तेल जो है वो आलू ने छोड़ दिया। लेकिन तेल डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो जाला बन रहा है, जो नेट बन रहा है, और ये जो क्रिस्पीनेस आ रही है बगैर तेल के नहीं आएगी। आप चाहें तो इसको इतना, अभी जिस स्टेज पे है ना, ये देखिए अभी हल्का सा नरम है ना, आप चाहें तो इसको इस स्टेज पे लेकर और फोल्ड भी कर सकते हैं, अंदर इसके स्टफिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको बिल्कुल एकदम क्रिप्सी करारा करके और टॉपिंग कर सकते हैं, तो हम क्रिप्सी करारा वाला काम करेंगे। ये लीजिए,
एकदम क्रिप्सी करारी और इसके ऊपर वो पनीर वाली टॉपिंग, ये हो गई टॉपिंग। अब ये थोड़ा सा बचा हुआ है ना मिक्सचर, मैंने कहा मैं इसकी एक स्टफ्ड वाली रोस्टी भी आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो स्टफ वाला चीला भी आप देख लेंगे और टॉपिंग वाला तो आपने देख ही लिया। ना इस अच्छे से टाइम देके इसको क्रिप्सी करना है जी। तो ये है जी चीला नंबर दो स्टफिंग वाला, बढ़िया एकदम क्रिप्सी करा रहा, ठीक है ना। थोड़ा दही, थोड़ी इमली की चटनी और ये थोड़ा सा सैलेड और अंत में वो तो आने ही है ना, क्या बोलते हैं उसको, साड़ा प्रिय मित्र धनिया। तो जीवित भारतीय की अपसान सेवा का ये चीला केंद्र है, घड़ी मिलाएं, चीला बनाने का टाइम हो गया है, ट्राई जरूर कीजिएगा। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।